इस वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ही बेस्ट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन, जिसपे आप मॉन्टाजेस इजीली बहुत अच्छे से 60 FPS 90 FPS सब में एडिट कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड आईओएस के लिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि किस पर एडिट करते हो, क्वालिटी अच्छी आती है, तो आप अभी फिलहाल भी क्वालिटी देख सकते हो वीडियो की, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो 1080p में बनाया हूँ एंड क्वालिटी आपके सामने है। एंड आप सभी को ये भी बताओ कि iOS में तो मोड एप्लीकेशन नहीं चलते हैं, तो आप काइनमास्टर वगैरह नहीं चला पाओगे iOS के अंदर। बट आपके लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है iOS वालों के लिए, वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा एंड बहुत ही कम प्राइस पे आपको प्रीमियम मिल सकता है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो एंड्रॉयड के लिए तो मैं सबसे बेस्ट कहूँगा काइनमास्टर, बट काइनमास्टर में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी एंड हायर एंड्रॉयड वर्जन्स में ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा कि हायर एंड्रॉयड वर्जन में आपको कैसा चाहिए होगा, बट अभी मेरा मेन फोकस रहेगा iOS के ऊपर, क्योंकि iOS वाली ऑडियंस मेरी ज़्यादा है। बट मैं आपको बेस्ट दो एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अब अगर फ़ोन की बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट एडिटर जो भी बोलेगा वो काइनमास्टर ही बोलेगा, बट iOS में ऐसा कि आप बाहर से कहीं से भी मोड एप्लीकेशन काइनमास्टर वगैरह का डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और काइनमास्टर का सब्सक्रिप्शन लगभग 350 रुपीज़ पर मंथ का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है। जो बंदे मतलब अभी वीडियो डालना शुरू ही गए हैं एंड उनकी अर्निंग वगैरह नहीं होती है, तो इतना अगर वो वीडियो एडिटर को ही देंगे तो भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूँ iOS वालों के लिए एंड 100% वर्किंग है। इस वाले मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन परचेज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है एंड आपका काम हो जाएगा परमानेंट। ओके, तो आपको ये सब अगर आपको काइनमास्टर चीप में चाहिए, मतलब कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे काइनमास्टर के, बट अगर आपको थोड़ा कम में चाहिए एंड परमानेंट चाहिए, मतलब आपको हर महीने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टॉप पे, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो। तो बेस्ट तो अपना यार काइनमास्टर ही है। एंड सेकेंड नंबर पर जो फ्री है, मतलब टोटली फ्री है iOS के अंदर, जो बंदे मतलब पैसे बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहते बट उनको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है iOS में वीडियो लीप करके एंड एंड्रॉयड में भी होगा। तो इससे मैं पहले वीडियो एडिट किया करता था काइनमास्टर से पहले, इसमें क्वालिटी हल्की सी लो मिलती है कंपेयर करें अगर काइनमास्टर से तो, बट आप इजीली, बहुत ही इजी है ये एप्लीकेशन, मतलब इजी आप इस पे वीडियो एडिट कर पाओगे एंड एंड्रॉयड पे भी ये हो गई। एंड इसमें आपको प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वाटरमार्क नहीं आता है एक्सपोर्ट के टाइम पे, एंड इसमें आपको पहले से ही प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने वीडियो पे फिल्टर लगा पाओगे। एंड साथ में अगर आप को iOS में इसको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो वीडियो में देखो, तो ये रहा वीडियो लीप। एंड इस पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक बार साइन इन करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे स्किप कर देना जितनी भी चीज़ें, एंड आप इसको इजीली लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पर मैं एप्पल ID के थ्रू कर लेता हूँ। देन लॉगिन होने के बाद ये आपसे सब्सक्रिप्शन के बारे में बोलेगा, तो इसको क्रॉस कर देना क्योंकि हमको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, इस पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पे करनी है। तो यहाँ से आपको एक्सेस दे देना है अपनी गैलरी का एंड जो भी वीडियो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना। एंड सब कुछ इजी है यार कटवर्ट करना इसके अंदर, मतलब काइनमास्टर से ज़्यादा इजी है, बट मेरे को काइनमास्टर की आदत है एंड क्वालिटी उसमें ज़्यादा अच्छी मिलती है तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपको भी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और मैं सिर्फ iOS की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वालों को तो मिल ही जाता है वैसे। एंड वीडियो लीप में ना बंदों को गाना ऐड करना नहीं आता, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आपको प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है यहाँ पे वीडियो के ऊपर ही, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रीसेंट पे क्लिक करना है, जो ऊपर से रीसेंट लिखा हुआ आ रहा है। एंड रीसेंट पे जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा फाइल्स। फाइल्स पे जाओगे तो फाइल मैनेजर में आपको ये ले जाएगा आपके iOS के अंदर, एंड जब आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड वाले फोल्डर से आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर पाओगे सिंपली। एंड एक्सपोर्ट करना भी बहुत ही ईजी है, आपको एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको 4K तक का सपोर्ट मिल जाएगा iOS के अंदर, तो मिल ही जाएगा 60 FPS 4K पे आप इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे। एंड थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को कम लगती है काइनमास्टर से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले इसी को यूज़ किया करता था। इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन इस एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाते हैं। सो बस यार मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताने थे जो कि मेरे को बेस्ट लगते हैं। एंड चलो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो तो। चलो यार मिलते हैं, बाय।